ओपन भी होएगा इसको, ये ओपन कर दिया हमने, इधर से भी लाइट दिखा दो, हमने खुद ही क्रिएट हाँ किया ये ये कवर भी हो गया। गुड मॉर्निंग, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज 5:30 बजे सुबह उठने के लिए कुत्ता तो ये रे दोनों थोड़ा डर लगता है मुझे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मीट प्रदीप जी। अपने अंदर की रिमूव करेंगे नेगेटिविटी, आसपास कुछ नहीं देखेंगे और अंदर से सारा बाहर निकालेंगे, ठीक है? एक बार और करेंगे आप सब, और शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं करेगा, बच्चे को सब माफ। ठीक है, चलिए वन बच्चे वन टू थ्री हट जाए, आंखें बंद रखें, ध्यान पूरा इसी वातावरण में, गर्दन कमर सीधी रखें। शांति। आज मैं आपको स्पेशल चीज दिखाऊंगा और ये इतनी स्पेशल चीज है, हमारे एक बहुत ही मेरे बड़ी हैं, जैसे हर एक के बड़ी होते हैं ना ऑफिस में, बड़ी होते हैं मेरे, मेडिटेशन के बड़ी हैं ये, और इस इनको मैं धम्मा बड़ी कहता हूँ अपना, ठीक है? तो आओ आओ मैं आज इनका पार्क आपको दिखाता हूँ और इनके पार्क से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो हेलो तो ये हमारे धम्मावड़ी प्रदीप जी हैं, ये मेरे साथ विपश्यना में भी बहुत विपश्यना भी करते हैं, और हमारे साथ सुबेश जी हैं, और आज हम इनके घर के टॉप फ्लोर पे इन्होंने जो पार्क बनाया उसका आज राउंड करेंगे, और आपको इतनी इंटरेस्टिंग जगह लगेगी और इतनी सुंदर जगह है ये, आप देखिएगा। तो प्रदीप जी कहाँ से शुरू करें? Again. नवंबर 2019 मैंने लिखा है कि आई इन्फेक्टेड विद ए गार्डनिंग फीवर 30th नवंबर 2019। उससे पहले हमारे घर में एक तुलसी जी का गमला हुआ करता था, पौधा हुआ करता था, बस 30th नवंबर को ये सब शुरू हुआ, और इट्स ऑल टीम वर्क। मंजू जी हैं, फिर नीचे जो है हमारे पास दो फैशन डिजाइनर्स हैं, रुचि जी एंड रितु जी, उनका कंट्रीब्यूशन, फिर उन्हीं के साथ हमारे हैं सुरेश जी, उनका कंट्रीब्यूशन, माई वाइफ पूजा कथुरिया, सबका मिलके है ये, मतलब इट्स नॉट मी ओनली, बस ऐसे ऐसे शुरू हुआ और ऐसे ऐसे करा। तो कहाँ से टूर कराना शुरू करेंगे? स्टार्टिंग से चलते हैं, से हमारा वहां शुरू हुआ। आइए लेके चलिए तुलसी जी, ये देखिए तुलसी जी है, तुलसी में हम इसको ढक देते हैं ताकि बहुत अच्छे दर्शन है इन तुलसी जी के। सभी तुलसी जी हैं, राम तुलसी, श्याम तुलसी, सब कॉकटेल हुआ हुआ मिक्स। बोलो तुलसी मैया की। अमरूद जो है हम पिछले सीजन में 7 खा चुके हैं, अमरूद बहुत बढ़िया अमरूद है, अभी भी अमरूद आए हुए हैं। ये रे अमरूद, बड़ी खुशी होती है जब एक एक पौधा नया पत्ता नया आता है, और बड़ा दुख भी होता है जब एक आधा पत्ता टूट जाता है हमारी कुछ गलती की वजह से। पीपल देवता ये लाइट की ट्री है, और ये बोगनवेलिया, दो कलर्स, और सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है कि हमारे नीचे जो रितु जी हैं, रितु जी और रुचि जी, उन्होंने मिल के ये 3 दिन में कंप्लीट हुई है, और इवन अभी अभी सितंबर में ही बनी है, रात के
10 बजे 8 बजे 9 बजे शुरू होके सुबह के 3 बजे तक 3-3, 4-4 घंटे का कंट्रीब्यूशन है। और मतलब बहुत गिफ्टेड है उनके हाथ में, इसको उधर पानी का प्रेशर कम होता है तो ये करते हैं। क्योंकि 1 साल के बच्चे हैं ना, मेरे को सब कुछ पूरा चाहिए। क्या है सिराची बेल को कौरव पांडव भी कहते हैं, उसका एक्चुअली सेप ऐसा होता है कि नीचे पर्पल कलर का बहुत सारे छोटे से लीव्स टाइप के होते हैं और ऊपर में 5 ऐसे खिला होता है, तो 5 वो ऊपर पांडव हो जाते हैं, नीचे सारे 100 और मोर देन 100 होते हैं। अच्छा, वो उसे कौरव कहा जाता है। ये भी मनी प्लांट है और ये हमें मंजू भाभी जी ने गिफ्ट दिया। और उसके बाद देखो ये अपने आप, मतलब एक पौधा जो है ना, किसी की ब्लेसिंग्स के रूप में है। ये जितने हैंगिंग्स हैं, ऑलमोस्ट हैंगिंग्स हमने एक्सेप्ट 5% हमने कोई परचेज नहीं किया। और वाइफ के ब्रदर हैं गुलशन कुमार जी, उन्होंने लाए और लगाए और सब खिल गए। इससे फिर हमने और डेवलप करे, वो और डेवलप होके कहीं और चले गए, वो भी डेवलप हो रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स के रूप में है। ये देखो, अगर इतनी जुल्फे मेरे सर पे बालों पे होती तो क्या बात है। ये देखो कहाँ से कहाँ आ गए, गंदी लगी थी तो मैं भी रिबॉन्डिंग करा के रखता, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा स्पेशल मनी प्लांट डिवीजन है भाई, लाइट जलाए जल्दी तो नहीं, वो बचाओ नहीं है। ये मनी प्लांट स्पेशल डिवीजन, ये जो मेन है, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज जो मेरी धारणा है, वो जो हमारा यहाँ पे विपश्यना मेडिटेशन रूम है, ये सारी ब्लेसिंग्स उसी की है। मतलब सारी टीम वर्क काम कर रही है, बट उसकी वजह से ये इतना ग्रो कर रहा है, स्पीचलेस। मतलब इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऑल इज कमिंग फ्रॉम दिस रूम। आइए, और इस रूम में हम बोलते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, सोते नहीं हैं, ओनली फॉर मेडिटेशन। तो जैसे कि देखा आप सबने कि ऐसा प्रदीप के यहाँ हॉल है, यहाँ पे मेडिटेशन हॉल है, और यहाँ पर कम से कम लगभग 10 से 15 साधक आकर, लगभग 20 साधक की, 20 से 25 की कैपेसिटी, एक 7 वाला रूम भी है इनका, वो यहाँ पे आके कर सकते हैं। ये देखिए, आपको दिखाते हैं यहाँ की हमारी भिंडी। ये भिंडी है और ये एक ऐसी चीज है कि आप वैसे भी खा सकते हैं और बहुत बढ़िया चीज आता है, क्योंकि घर की भिंडी परमात्मा का आशीर्वाद और मिठास इतनी है, आनंद लेने की बात। हाँ हाँ, ये मूली है, ये पालक है, हमारे को पहले नाम भी नहीं पता था, अब सब पता चल जाता है। ये देखिए, ये मूली है, आपको मूली तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए, ये मूली है क्या बात है, फ्री की मूली है। एक बार और देखें, ये देखो ये मूली है, थोड़ी छोटी है बट ये है कि मूली है। ये तोरी है, ये है तोरी। हाँ जी, वाओ, ये तोरी है, वाओ। ये आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर, कितनी मेहनत का इनका नतीजा है। ये देखो, सच ब्यूटीफुल नेचर के साथ अगर हम जुड़ते हैं। टमाटर हैं, सारे आ रहे हैं, कहाँ हैं टमाटर हैं, ये देखो ये देखो, ये छोटे छोटे टमाटर, वाओ। ये मूली धो के, ये देखिए, ये अभी इनके गार्डन से ही निकली है, खाए इसको जरा सा। हाँ, पूरी खा सकते हो, नहीं आपको डर लगे तो ये देखो, ये छोड़ो अब आप खाओ इसको, ऊपर पूरी खाओ, मस्त मजा आएगा। मूली कौन खा रहा मूली खाओ सर, एक पत्ता खाओ, पत्ता मूली का बहुत अच्छा होता है, बहुत तेज है, क्योंकि ड्रामा नहीं है ना। ये लो, ये प्यार से पत्ता खाओ मूली को डाइजेस्ट करने के लिए मूली का पत्ता सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, पत्ता जरूर खाना है।
मुझे ज्यादा मुझे पत्ता अच्छा लगा ग्रीन है प्रदीप जी ने पूजा पूजा बार बार नाम लिया है तो कौन है पूजा जी? ये है पूजा जी और ये सब बनाने में इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए इनका बहुत बहुत थैंक यू मैं करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा मोटिवेशन हमें करते थे पूजा जी और हाँ फिर बहुत जहाँ कहीं कमी पेशी हो तो ये करते थे ऐड। और मैं बता भी दूं अभी प्रदीप जी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि चाहे पूजा जी ने कोई कंट्रीब्यूशन पर ना नहीं करा और हमेशा चीज में साथ दिया वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने रियल में किया है क्यों? बिकॉज इनकी बैकग्राउंड इनकी नॉलेज मेरे को तो पता ही नहीं होता था। और एक मैं एक जरूर इस पे स्टोरी सुनाऊंगा कि मैंने 30 नवंबर को जब मैंने लिखा गार्डनिंग फीवर आया तो उससे पहले अभी दिवाली गई थी धनतेरस पे ये 4,500 के पौधे लगे थे। कोई बंदा 4,500 के पौधे भी लेता है अब लाखों रुपए लग गए तो वो ये पीछे से स्पोर्ट थी तो ये सब पॉसिबल हो पाया। कभी रोका नहीं गया बस बढ़ते चलो और साथ देते गए। और पूजा जी ने हमें बहुत ही अच्छा दूध पिलाया। थैंक यू सो मच पूजा जी। जिस तरह का बीज बोओगे वैसा फल पाओगे और ये आप अपने लाइफ के पार्ट्स में भी देख सकते हैं। हम साधना करते हैं और ये करते हैं, साधना भी हमें यही बताती है जैसा फल आप जैसा बीज डालोगे वैसा फल मिलेगा। जैसा फल आप अपने रिलेशनशिप में डालोगे किसी के भी साथ वैसा ही फल मिलेगा आपको। अगर आपने बीज बोया है करेले का तो मीठे फल तो कभी नहीं मिलेंगे और अगर आपने बीज बोया है गन्ने का तो उस तरह के मिठास मिलेंगी। और अगर आपने क्यों और ये जो बीज होता है ना ये बीज आपको अगर लगे कि आपके कर्म से होता है जो बाहर आप एक्शन कर रहे हो उससे नहीं, आपके मन का बीज क्या है। तो एक हम विपश्यना जब जाते हैं तो उसमें एक छोटी सी स्टोरी सुनाई जाती है कि क्या है मन का फल कैसे मिलता है, मन के बीज में जो हम मन में जो बीज बोते हैं उसका फल कैसे आता है। तो एक डॉक्टर हैं जिन्होंने किसी एक पेशेंट का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना था तो उनको ऑपरेशन थिएटर में गए, वहाँ पे उनको लिटाया गया और चाकू से पेट काटा और उनकी उंगली ऑपरेशन बेड पे ही डेथ हो गई। तो एक स्टोरी ये रही। एक और हुआ कि एक सेठ है जो सेठ जो है वो जंगल से आ रहा है और एक डाकू चोर वगैरह उसको आता है, उसको बोलता है जो आपके पास जो भी सामान है वो मेरे को दे दीजिए। वो नहीं देते हैं तो चाकू से वो डाकू जो है वो चाकू निकालता है और उसको पेट में डालता है और डेथ हो गई। अब डेथ तो दोनों चीज़ों की हो गई, दोनों इंसानों की, और दोनों की चाकू से ही हुई तो क्या दोनों को सजा सेम मिलेगी? दोनों का फल सेम है? नहीं है। जो डॉक्टर ने काम किया वो उसको ज़िंदगी देने के लिए किया और जो चोर ने काम किया वो ज़िंदगी लेने के लिए किया, पैसा छीनने के लिए किया। तो आपके मन में क्या भाव है, मन में क्या विचार है, वैसे कर्म फल बनता है। मतलब मन में जो विचार रखोगे, आपने कुछ नहीं भी बोला कुछ नहीं भी एक्ट किया बट मन में भावना कैसी है उससे जो है हमें फल मिलता है। तो इसलिए जैसे बीज बोएंगे वैसा फल आएगा, इसको ऐसे स्टोरी रूप में भी हम समझ सकते हैं। कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते थे बट अब नहीं होते, अब सब कुछ नॉर्मली सब डिसाइड कर लिया जाता है। पहले ऐसा था कि जैसे कुछ भी सोचा होगा नहीं होगा पता नहीं कैसे होगा, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते थे बट अब होता है चलो जैसा भी होगा देख लेंगे सब अच्छा ही होगा ऐसा सोच के बस। ये मेडिटेशन की वजह से सब हुआ है। Quick decision. तो देखा आप सबने, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि आपकी साधना ना छूटे, उसके लिए हम सपोर्ट के लिए आप एक दूसरे के लिए। तो इसी तरीके से आप भी अपने कोई ना कोई साधना से जुड़िए और उसकी अभ्यास को बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन लोगों ने यहाँ तक के लिए हमारी वीडियो देखी उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और इस तरह की और वीडियोस अगर आपको पसंद है आती हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।